तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो चुकी है रात, और रात के बज रहे हैं 8:30। और मैं कहीं चली गई थी और अभी मैं बना रही हूँ, मैंने आटा गूंद लिया है और आज बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ खाजा। खाजा बनता है मैदे से और ये बंगाली मिठाई है। और मैंने बनाई है चावल सियाजा, और ये रहे चावल। चावल को ये फटाफट बन जाते हैं, मैं कहीं चली गई थी इस वजह से, तो फिर मैं आके थक गई थी। और आपको क्या करना है, मेरा चैनल लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। और ये मेरा यूट्यूब पर दूसरा ब्लॉग है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहे मेरे मम्मी के बच्चे, देखो भगे। और मैंने फैसला किया है कि ज़्यादा लंबा हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे, बस छोटा मोटा एक फिलहाल 5 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगी। और तो चलिए बनाते हैं रोटी। और ये मैंने बनाई है चाशनी, तो पहले बना लेते हैं रोटी, फिर उसके बाद बनाएंगे खाजा, ठीक है। तो हमने मैदे की 5 रोटी बनाऊंगी मैं, एक रोटी तो ये रही, एक रोटी ये रही, 2 रोटी बन चुकी है मेरी। और पतली पतली बनानी है हमें, ठीक है। रोटी मैंने बेल ली है और इसके ऊपर बनाएंगे हमने ये मैदे का, मैदा और घी को मैंने कर दिया है मिक्स। इसको इसके ऊपर ऐसे लगाना है भर भर के, ताकि ये अच्छे से इनकी लेयर बन जाए। ये हमने लगा दिया, इसको लगाने के बाद में फिर हमने ऐसे एक और रोटी चिपका देनी है इसके ऊपर। फिर हमको ऐसे करना है, सारी रोटी को हम ऐसे कर लेंगे। तो हमने रोटी को फोल्ड करके इसका बना लिया है रोल। अब इसके जो हम कोने हैं, कोने इसको काट देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, और इसको ऐसे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये सारे हमारे बन चुके हैं और इसकी लेयर भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। और इसको हमें हल्का सा शेप देना है ऐसे करके, इस तरीके से। आप चाहें तो इसको बेलन से भी बेल सकती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से देखिए ऐसे। इन लोगों को कर देंगे हम फ्राई। तो ये हमारे हो गए हैं खाजा तैयार, इसको डालते हैं फटाफट से चाशनी में। टैंकड़ैन गैस को कर दिया है हमने लो। तो हमने चाशनी के अंदर डाल दिए हैं हमारे ख्वाजा और 10 से 5 मिनट के लिए हम इसके अंदर ही रहने देंगे। तो जी बस आज का मैं घूम कर ही बस कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग आज का छोटा सा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।